नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे जानकी नगर थाना। जी हां, अंतर जिला गिरोह के कुख्यात अपराधी प्रकाश यादव को जानकी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकी नगर थाना अध्यक्ष महेश कुमार यादव ने बताया कि कुख्यात अपराधी प्रकाश यादव पिता स्वर्गीय विजेंद्र यादव वार्ड नंबर 4 ग्राम तेतराही थाना जानकी नगर जिला पूर्णिया के दो जिले क्रमशः पूर्णिया एवं मधेपुरा पुलिस को तलाश थी। लगातार दोनों जिलों की पुलिस छापामारी कर चुकी थी, परंतु वह फरार होने में कामयाब हो जाता था। लेकिन शुक्रवार के देर रात में गुप्त सूचना के आधार पर जानकी नगर थाना अध्यक्ष महेश कुमार यादव के नेतृत्व में जानकी नगर मुरलीगंज बनमनखी सरसी बरहाड़ा थाना पुलिस के संयुक्त रूप से नाकेबंदी कर उसे उसके दरवाजे से गिरफ्तार कर जानकी नगर थाना लाया गया। उसके खिलाफ जानकी नगर थाना कांड संख्या 107/21 दिनांक 31/5/2021 धारा 272, 273 और आर्म्स एक्ट के भी सारे धारा उस पे लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया मधेपुरा एवं अररिया पुलिस के लिए सिरदर्द बना था। उनकी गिरफ्तारी से जानकी नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित किया है। उसकी गिरफ्तारी से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने आगे बताया कि नाटकीय ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक कांड दर्ज है। यह पहले कई जेल भी गया है तथा सजा भी काट आया है। इन दिनों आपराधिक घटनाओं में काफ़ी एक्टिव था। तीनों जिलों में इनकी कुंडली खंगाली जा रही थी। उन्होंने आगे बताया कि जेल से छूटकर अपराध की घटना की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सभी एक्टिव अपराधियों को रडार पर रखा गया है तथा शराब के बड़े पैमाने पर तस्करी करने वाले एवं हथियारों की तस्करी करने वालों को रडार पर रखा गया है। लगातार विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो अब अपराधियों का इनकाउंटर भी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चारों जिला क्रमशः पूर्णिया मधेपुरा सुपौल एवं अररिया जिले की सीमा पर सादे लिबास बाइक सवार स्पेशल टास्क फोर्स को जिला सीमा पर आवाजाही करने वाले अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी।